द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ 2015 दिलवाले। इसका पूरा म्यूजिक रिलीज हो चुका है और इस म्यूजिक रिलीज के बाद पता चल गया है कि इस फिल्म में रोहित शेट्टी के एक्शन, डांस, कॉमेडी के अलावा म्यूजिक का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। म्यूजिक कंपोज किया है प्रीतम ने, जिन्होंने पिछली बार शाहरुख के साथ काम किया था फिल्म बिल्लू के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म गेरुआ। गेरुआ में अगर आप अरिजीत सिंह के फैन हैं, अगर आप शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री के फैन हैं, अगर आपको सूदिंग म्यूजिक पसंद है, सो दिस सॉन्ग इज फॉर यू। अ वेरी सूदिंग, वेरी लवेबल, वेरी रोमांटिक सॉन्ग गेरुआ। नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम इज मनमा इमोशन, जागे। एल्बम का सबसे छोटा सॉन्ग जो बात करता है वरुण धवन और कृति सैनन की। अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये गाना बहुत खूबसूरत, लाइवली, यंग, वाइब्रेटिंग लगता है, लेकिन इसकी बीट्स ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा कैची साउंड करे, जल्दी से जबान पे नहीं चढ़ पाता मनमा इमोशन जागे। आवाज इसमें दी है अमित मिश्रा ने, साथ दिया है अनुष्का मनचंदा और अंतरा मित्रा ने। दे हैव डन देयर जॉब रियली वेल और वरुण और कृति बहुत ही सुपर्ब, हॉट और हैपनिंग लग रहे हैं। अगला गाना इस एल्बम से है जनम जनम। अगर आपको पसंद आया है गेरुआ तो यू विल डेफिनेटली लव दिस सॉन्ग। अगेन इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने। फिर से ये गाना शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री पर बेस्ड है। ये एक रोमांटिक नंबर है लेकिन इसमें प्यार के साथ साथ प्यार का दर्द भी छुपा हुआ है। तो वी विल डेफिनेटली थिंक ये गाना इस एल्बम का सबसे पॉपुलर गाना होने वाला है। नेक्स्ट सॉन्ग इज टुकुर टुकुर। ये गाना दिलवाले का एक फन लविंग सॉन्ग है। गोवा के बीचेस होने चाहिए इस गाने में, शाहरुख या वरुण में से कोई मस्ती करता हुआ होना चाहिए। वीडियो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है लेकिन गाने की आवाज सुनकर ही लग रहा है This is going to be really fun in this film. Especially इसलिए क्योंकि इस गाने को गाया है अगेन अरिजीत सिंह ने। तो बहुत सारे डीप रोमांटिक नंबर्स गाने के बाद टुकुर टुकुर जैसा लाइट फन लविंग सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। इस एल्बम का अगला गाना है दायरे, एंड इफ यू लाइक डार्क रोमांटिक नंबर्स, सैड रोमांटिक नंबर्स, तो ये गाना आपका फेवरेट सॉन्ग होगा। जादू इसमें फिर से अरिजीत सिंह का है, प्रीतम की कॉम्पोजिशन लाजवाब है। ये गाना एज पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फिट होता हुआ गाना नजर आएगा फिल्म में, वी आर श्योर अबाउट इट, बट उसके बावजूद ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा इफ यू लाइक सच काइंड ऑफ सॉन्ग्स। नेक्स्ट सॉन्ग इज प्रेमिका। बेनी दयाल और कनिका कपूर का कॉम्बिनेशन पहली बार इस एल्बम में कहीं पर यूज किया गया है। ये एक जैजी डांस नंबर होने वाला है। ये डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और आपको नाचने का एक और रीजन देगा। लास्ट इज थीम ऑफ दिलवाले। ये थीम जनम जनम म्यूजिक से ही ली गई है। जनम जनम का म्यूजिक ऑलरेडी काफी प्लेजेंट है, इसलिए दिलवाले थीम इज रियली गुड। ओवरऑल DDLJ जैसी एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी इस फिल्म का म्यूजिक कहीं भी कम पड़ता हुआ नजर नहीं आता। ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान तो फिल्म का म्यूजिक फिल्म की जान होना ही चाहिए। सो वील गिव 3 stars टू दिस एल्बम दिलवाले। वेरी सून दिस मूवी विल बी रिलीज्ड एंड वील बी वेटिंग फॉर द डेट 18th December।